जो उन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप ही न्यूज फाउंडेशन पर। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का खुलासा हो गया है उस पर मामले पर। बड़ी बात यह है कि जीतन सहनी की हत्या कासिम नाम के एक अपराधी या फिर युवक ने की। इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी क्या है वो विस्तार से बताते हैं। दरअसल 48 घंटों से दरभंगा पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को भेद में लगी हुई थी, तमाम तरह के सबूत जमा किए गए, उसके बाद जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यही है कि कासिम अंसारी नाम के युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी घटना की कहानी जो पटकथा है वो लिखना शुरू हुई 2022 में, जब कोरोना काल चल रहा था। कासिम की स्थानीय इलाके मोहल्ले में ही एक कपड़े की दुकान थी, उसके की दुकान बंद थी तो उसको कर्ज लेना पड़ा। मुकेश सहनी के पिता ने 1 लाख रुपए का कर्ज 2022 में दिया, उसके एवज में कासिम ने अपनी जमीन के कागज जो है उनको दे दिए। 2023 में फिर जो है 50,000 रुपए का कर्ज लिया गया, यानी कि कुल 1.5 लाख रुपए। 4% के हिसाब से सूद पर ये पैसे लगाए गए, जो जिसके बाद जो है क्योंकि वो पैसा न तो पैसा दे रहा था और ना ही सूद भर पा रहा था, जिसकी वजह से लगातार मुकेश सहनी के जो पिता हैं जीतन सहनी वो दबाव बना रहे थे। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से जो पुलिस के हिसाब से जो SSP हैं वहाँ के जगन्नाथ रेड्डी, उनके मुताबिक जो है 3 दिन पहले जो है इन लोगों के बीच में बहस हुई थी, वहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में जो है वाद विवाद हुआ था और ये कहा जा रहा था कि आप जो मूलधन है या जो सूद है उसमें से कुछ कम कर दीजिए और बाकी ले लीजिए। इस पर वो एग्री नहीं हुए और उसके बाद जो है पूरा विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से 22 में 1 लाख रुपए और फिर 23 में 50,000, कुल 1.5 लाख रुपए ले गए 4% के ब्याज पर, जो नहीं दे पाया वो, जिसके एवज में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी ने जमीन के कागज जो है वो जमा किए थे। इसी पूरे मामले के बाद से लगातार जो है सूद और जो मूल था उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा था जो है कासिम अंसारी पर, वो पैसे नहीं दे रहा था। और उसके बाद 15-16 की रात में अलग अलग तरीके से जो है पूरी रेकी की गई। सबसे पहले उस दिन रात में 10:30 से 11 के बीच में ये लोग कई दफे जो है वो जीतन सहनी के घर के आसपास दिखे गए। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि तमाम तरह की रेकी की गई, ये पक्का किया गया कि जीतन सहनी अपने घर के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद रात में 1:30 बजे, अमूमन होता ये था कि उस पूरे इलाके में रात के 12 से 1:30-2 के बीच में जो है बिजली की कटौती होती थी, तो रात के 1:30 बजे ऐसा ही उस दिन हुआ, यानी 15-16 तारीख की रात में। उस रात जब बिजली कटी तो उसके बाद ये तमाम लोग जो है उसके घर में, यानी कि जो मुकेश सहनी के पिता का घर था उस घर में वो दाखिल होता है। इसके साथ जो है कासिम अंसारी के साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं, हालांकि वो कितने थे, उनकी संख्या क्या थी, इस पर से पुलिस ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। पुलिस को ये तमाम सबूत मिले हैं घर के बगल में ही लगे हुए CCTV कैमरे में। बताया जाता है कि 3-4 दिन पहले जब ये लोग बात या बार्गेन करने के लिए पहुंचे थे तो उस दौरान का CCTV फुटेज था, और उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई यानी कि 15-16 तारीख की रात में, उस दिन भी इनका फुटेज मिला और वहां पर उससे ये मिलान हुआ, CDR लोकेशन निकाले गए। उसके बाद जब इसको उठाया गया कासिम अंसारी को, तो उसके जीन्स, उसके कपड़े, उसके नाखून से खून के निशान मिले। FSL ने कुछ और साक्ष्य जमा किए। उसके बाद उस रात में करीब 1 से 1.5 के बीच में इन दोनों के बीच में बहस होती है। उसके बाद धारदार हथियार जो कि एक फल काटने वाला चाकू बताया जा रहा है, उससे मुकेश सहनी है उनके पिता की हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद जो है ये सब वहां से निकल गए, क्योंकि उसको मालूम था इन अपराधी जो कासिम है अंसारी, उसको ये मालूम था घर में जो लाल रंग का एक जो अलमीरा या बक्सा है उसके अंदर उसके जमीन के कागज हैं, लिहाजा उसको उठा करके पीछे ले जाता है, क्योंकि बहुत भारी था इस लिहाजा उसको घर के पीछे के गड्ढे में उसको डंप कर देता है, क्योंकि मकसद चोरी नहीं थी, मकसद इनसे इनके अपने पेपर को वापस लेना था, लेकिन क्योंकि वो पेपर नहीं दे रहा था तो ये लोग पूरी रणनीति के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। रेकी की रात में बिजली कटने का इंतजार किया और उसके बाद घर में दाखिल हुए और उसके बाद उनके पिता मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर देगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ जो
जो FSL की जो जो जांच है, जो खून की जो धब्बे मिले हैं, उन तमाम तरह के साक्ष्यों को जमा किया है। फिलहाल कासिम अंसारी के साथ कितने और लोग हैं इस पर से पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस कह रही है कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया है इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, इसको भी ढूंढा नहीं जा सका है। दरभंगा के SSP ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है। करीब 48 घंटे इस घटना को हुए हैं और इसके बीच में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं दरभंगा के SSP, सुनवाते हैं इस बयान। 15 और 16 का जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जितन सहनी जी का जो क्या हुआ उसे करने का लोग खुलासा कर रहे हैं। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है, जो उन्होंने 2022 1,00,000 रुपये सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था, टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 दिन जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो जमीन का जो कागज वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था उनके साथ, मृतक जितन सिंह जी के साथ वो वाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। उसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया, तो CCTV फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किए, और एंट्री करके स्वामी जी से वाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और नहीं दिए, विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले, और वजन भी ज़्यादा था उसका, और वो लोग जाने के क्रम में जो टोकर था वहाँ उसी ने उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गया। और उसको फेंका जी, बॉक्स दोबड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CBR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो FSL टीम का जो मैंने कलेक्ट किया था प्रदर्श के साथ, ये मैच भी कर रहा कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाए गए, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से अभी यथोदृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जाँच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, और कुछ लोगों से हमें लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम दिया हम उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता था बुधवार।
सर कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था, ट्राइल में कितने लोग थे? तो अभी संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताए हैं उसके अनुसार हम लोग जांच करना है, इसमें इकट्ठा करना, उसके बाद हम अपलोड बता रहा है। ग्लास मिले थे उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर, कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम जांच कर रहे हैं, जैसा डी आई सर ने बताया कि एफ एस एल का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको उठाया गया है, उसको हम एफ एस एल भेजना है और एफ एस एल के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बताना है। मर्डर वेपन सर कुछ पता लग पाया? जी आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वही होगा, तो जो पूछताछ के में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टि का हम लोग अभी ढूंढे, अभी नहीं मिला, फिर हम लोग और प्रयास करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था जो उस टाइम जो बॉक्स लाउ बता गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिले हुए हैं उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं, और जैसे कि हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोगों को तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं उसमें अग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो बैच के बैच दिया जाता तो उसके बदले गिरवी रखा जाता है, उस कागज़ मिले। सर बाइक को लेकर भी बीच में एक थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको कुछ छुपाना चाह रहे हैं। दो बाइक भी मिले हैं और उन लोगों का जो सबूत मिला है कि वो बाइक दूसरे के जो बैच दिया गया था और उसी के जो पैसा वापस नहीं था उसी के तरह उनको भी रखा गया। Thank you.